हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के शेयर के ऊपर। आज इस स्टॉक में हम लोगों को तेजी जरूर देखने को मिला। स्टॉक 100 के लेवल के ऊपर जरूर गया, बट यहां पे ऊपर के लेवल से अगेन हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है 95 to 100 रुपीज के रेंज में जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आज जरूर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, बट यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। स्टॉक जो है वापस से 99 रुपीज़ के लेवल पे क्लोज हो गया। 80 रुपीज़ के लेवल से वापस से जब यहाँ पे स्टॉक में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये बहुत ही स्लो मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस मोमेंटम में यहाँ पे जो है हम लोगों को आपको स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। एक बार के लिए स्टॉक जो है वापस से रिट्रेस बैक कर सकता है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर 90 to 100 के रेंज में जो है एक वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पे जो है आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि उससे पहले अगर देखेंगे जैसा हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिला, वैसा मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। 4 वीक में स्टॉक जो है ओनली 10 रुपीज़ अपसाइड गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट स्टॉक जो है अपसाइड गया था 5 वीक के अंदर। इसी वजह से जो है यहाँ पे आपको इस मोमेंट इस अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पे जब एक कंसोलिडेशन हो जाएगा 90 to 100 के रेंज में, उसके बाद आपको यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है। तो मंथली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलरेडी हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्रीवियस 3 मंथ से कंटिन्यूस यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, और जितने भी लोगों ने पहला वीडियो देख के 70 रुपीज़ के लेवल के ऊपर बाई किया होगा, वो लोग जो है यहाँ पे आपको क्लोज टू 40% से ज़्यादा के प्रॉफिट में होंगे। तो इसी वजह से थोड़ा सा वेट करने के बाद जो है आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।